जो वेजिटेरियन है ना उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। We prepared, आप अगर थाईलैंड के अंदर कहीं पे भी जा रहे हो सरप्राइज। How are you feeling? Fine. This is called manifestation. Good morning guys. तो ऐसा है कि आज अब हम इस होटल से यानी पटांग फुकेट से चेकआउट कर रहे हैं और अब हम बैक कर रहे हैं इंडिया को। वहाँ भी हमारा एक एक्साइटिंग ट्रैवल है जो कि शुरू होने वाला है, वो वहाँ जा कर के हम लोग उसका प्लान आउट करने वाले हैं। और फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आया हूँ। सादिया और प्रियम का ब्रेकफास्ट हो गया है, वो लोग रेडी हो रहे हैं, पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। 10 बजे के आसपास गाड़ी आएगी और अभी बजे हैं 9:20, तो मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। और ये जो होटल है ना, मैं ख़ास तौर से आप लोग को सजेस्ट करूँगा अगर आप पटांग आ रहे हैं, फुकेत आ रहे हैं तो इस होटल में रहें। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है जो उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएगा और नॉन वेज का तो भरमार है यहाँ पर। तो एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ क्या है। ये जो मामला है ये फ्रूट सेक्शन है, पपाया, वाटरमेलन, यहाँ एक और अभी आएगा दैट इज़ पाइनएप्पल, योगर्ट है, ये सैलड के लिए सीजनिंग्स हैं, कॉफ़ी है। यहाँ पर आपके लिए ऑमलेट वगैरह बन जाएगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा। ये थोड़ा स्पेशल लगा मुझे यहाँ पे, काफ़ी रोटी करी वगैरह है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वेजिटेरियन है उनके लिए ये बेहतर होगा। अंदर चपाती है और ये ग्रेवी है, ये देखिए ये पूरा वेजिटेबल राइस है, वेजिटेबल फ्राइड राइस है, दैट इज़ स्टीम राइस। अच्छा ऑप्शन है ये होटल। क्या है टोफू? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टोफू विथ थाई रसम क्या है? अच्छा ये नॉन वेज का है, कुछ नॉन वेज है शायद, हाँ ये है, हाँ ये है टोफू यानी कि सोया पनीर और वेजिटेबल्स। बहुत बढ़िया ऑप्शन है मैं बोलूँगा। यहाँ पर जो वेजिटेरियन है ना उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए एक और है, पूरा वेजिटेबल है, मशरूम, बेक्ड बीन्स बोलते हैं इसको, दैट इज़ द सॉसेज, ये पोक सॉसेज है। जो नॉनवेज खाते हैं ज़रा पूछ लीजिएगा, अगर पोक नहीं खाते हैं तो पहले पूछ लीजिएगा आप कि भाई ये सॉसेज किस चीज़ का है। ये भी एक नॉनवेज आइटम है। अच्छा ये हो गया गरम दूध, सिंथेटिक जूस है, पेपर पैक में आता है, इंडियन इस टाइप का ही है, तो हो गया। अच्छा यहाँ पर ब्रेड सेक्शन होगा, दिखाता हूँ। हेलो हेलो, ये है ब्रेड सेक्शन, वाइट ब्रेड, ये भी ब्रेड है, क्या बोलते हैं इसे, फ्रेंच ब्रेड, बनाना केक, चिकन सॉसेज, ये हो गया चिकन हैम, ये हो गया पोटैटो, सौते पोटैटो, बेक पोटैटो भी बोलते हैं, पोटैटो भी बोलते हैं, बेक पोटैटो, मैंने पोटैटो बोला। टोमेटो रोस्टेड, फ्रेंच टोस्ट एंड दिस, ये बच्चों के लिए। सादिया बहुत इसको मज़े से खाती है, दैट इज़ पैनकेक एंड वॉफल, लवली। यहाँ पर उसके साथ हनी वगैरह है, क्या बात है। तो जैसा कि मैंने कहा ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो फैमिली के लिए, बच्चे भी इंजॉय करेंगे और जो वेजिटेरियन है वो भी इस होटल का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो होटल है ना, इस होटल का नाम है सनसेट बीच रिसॉर्ट और ये बिल्कुल समुंदर के किनारे है, इसका बेस्ट पॉइंट ये है। ये देखिए कमरा हमारा, तो ये प्लस पॉइंट है। बस यही बताना था। और अब हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। आ जाओ। ओके 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 ऑल सेट। मम्मी पापा को नहीं पता है, दिवाली सरप्राइज है। दिवाली सरप्राइज दे रहे हैं हम जा करके घर पे। बाय बाय फुकेट, बाय बाय पटोन। हाँ डिक्की तो हमारे काचे यहाँ से। ओके एक इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। आप जब भी थाईलैंड घूमने के लिए आ रहे हैं इंडिया से, तो जब थाईलैंड से वापस इंडिया को जा रहे हैं तो हाथ में ज़्यादा समय लेकर के एयरपोर्ट आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर के आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो करनी पड़ेंगी और जिसमें समय जा सकता है। तो हाथ में 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के आइएगा एयरपोर्ट, ताकि वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आराम से वक्त मुकर्रर हो पाए। जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग फाइनल जो भी डिक्लेरेशन है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ आने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको सुविधा, एयर सुविधा बोल करके एक साइट है, यहाँ पर आपको वो हेल्प करेंगे। बारकोड होगा, स्कैन करेंगे, फिर उसको आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना होगा। एक तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आरोग्य जैसा ही है, पर वो आसानी से हो जाएगा। कहना ये चाह रहे हैं कि 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के आइएगा। हेलो मम्मा। हेलो। Why today you are happy? I'm very happy today, and you know why? Because the last time we were coming here, and it was like they took the water bottles and they took all of the liquids and everything. But this time we took the liquids in the suitcase, but the water was handy, and we had the water in the water bottle. So we were checking 2000 years later we were checking, and then the who was checking things, she said that water for baby. So mommy said that yes, it's for baby. So she said okay, and she didn't even take the water, she kept it. And the last time she did take it, like someone did take it, and this time someone didn't. So it depends on their mood. नहीं, मूड की बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम बैंकॉक से आ रहे थे तो इन लोगों ने अलाउ, शायद इनके देश में पानी ये लोग अलाउ नहीं करते, एज बिकॉज वी आर गोइंग आउट ऑफ देयर कंट्री, मे बी दैट इज़ वाई। वॉट एवर इट इज़, नंबर 1 इज़ बी प्रिपेयर्ड। आप अगर थाईलैंड के अंदर कहीं पे भी जा रहे हो तो शायद फ्लाई करते वक्त आपको अलाउ ना करें, लेकिन आप अगर इनके कंट्री से बाहर जा रहे हो तो पानी आप ले सकते हो साथ में। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि आई एम द पर्सन जो कुछ मतलब थोड़ी थोड़ी देर में मुझे प्यास लगती है और मैं पानी पीती रहती हूँ। सो येस, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। सॉरी, आई एम स्टिल लर्निंग टू हैंडल दिस कैमरा। ओके, ये हम ले रहे हैं पापा के लिए। ही लव्स मैंगोज। हाँ, हमें आम बहुत पसंद है। हाँ, आज़ाद। तो अभी ऐसे पका हुआ आम ले जाना तो सही नहीं होगा, तो हमने ड्राइड ले लिया। हाँ या 165। ओके या जस्ट अ मोमेंट। ओके 165 अगेन। फर्स्ट लेट मी गिव यू दिस। हाउ मच? 15। यू टेक 15 फर्स्ट। 15 नाउ 150 राइट? You give me 150. Yes. Okay, now please you take from here 150 if you can. Okay. Thank you. He'll give me 850. Baba, ora ki jaane ki tumi your master in maths. Aryabhata. Very inside. Wow. Ye best hai. वो वहाँ पे घूम घूम कर उनसे प्राइस पूछ चुकी है। I love you. वो जाकर पूछ कर आई है, बहुत बार प्राइस? हाँ, मुझे नहीं पता था ठीक से, प्रियम को पता था, कई बार जा करके पूछ के आई है। और वो शॉपकीपर भी बोल रही थी सादिया बहुत बार आई थी, बार बार आके पूछ के जाती। लाइक इट ऑब्वियस, इसीलिए तो बार बार जा रही थी। चलो अच्छा यार, एक अच्छा सा बैग हो गया मेरे लिए भी। इसमें कितने सारे चीज़? कलर सादिया का कलर है, सादिया का ये फेवरेट कलर है। वाव वाव, इससे हुआ इतना कुछ। कैसे हुआ? आप वाइब्रेट कर रहे हो। यू आर इजी विथ लाइफ, एवरीथिंग इज इजी फॉर यू। ऑल afternoon, good afternoon. Surprise. How nice. Thank you so much. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. मैनिफेस्टेशन। कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग? लवली। वाह क्या बात है, इसका सरप्राइज। थाई वेफर्स मैं मिस कर रही थी, ये आ गया। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। सादिया ने मुझे भी ऑफर किया। आपने कब लिया? मैंने। मजा आ गया। आप रोटी खाइए। थैंक यू ब्रिटानिया, थैंक यू गो फर्स्ट। गो फर्स्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओह फाइनली वी हैव रीच्ड होम। अच्छा दाड़ा तुम्हें हमें फ्री कर दीची भाई, हमें दिए दाओ। चलो थैंक यू, वेलकम। अरे मैं उठा नहीं पाऊंगा, ऐसा करोगी तो तुम। तुमको तो नहीं पता क्यों बोला मैंने। हाँ आ जाओ। काउन शरीर, ये मेरी नानी है। वेरी गुड, क्यूट लिटिल डॉल जैसी बन चुकी है पूरी तरह से, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। चला हैप्पी सबाई के एक बार हैप्पी दिवाली बोले दाओ सबाई के। Happy Diwali. अच्छा लाइक और सुपर हिट कर दो मम्मा। थैंक यू सो मच। घर वापस आ गए हैं। हां ए रखो खराब लागला हां ए रखो ओके चल बेटा चल बे ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस मोर वीडियोस लाइक